तो आज हम लोग का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वॉल ऑफ हार्ट, मेम्ब्रेन, ये सब कुछ डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। जो एक्सटर्नली अगर हार्ट को हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से वहां सर्कस है, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। कहाँ उसका लोकेशन है, साइज कैसा है, वेट कैसा है, ये सब की बातें हो चुकी है। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में ये तो हम लोगों को पता है कि फोर चैम्बर है हार्ट, फोर चैम्बर जिसको बांटने के लिए सेक्टम है। तो ऑरिकल को यानी कि ये सब कुछ भी मैं बताई थी, लेकिन फिर भी यहां ऑरिकुलर पार्ट एंड smaller than this ventricle and this is auricular part and this is ventricular part. This auricular part is tilted more towards the right and this is tilted more towards the left. साथ ही साथ ये जो auricular और ये हम लोगों ने देखा कि दिस इज सेक्टम एंड दिस इज द राइट ऑरिकल। ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, व्हाई दिस इज राइट साइड, व्हाई दिस इज लेफ्ट साइड, तो ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो ये आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो सिंपली जो है इंटरऑरिकुलर सेप्टम जो है ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ ये सेप्टम जिसने ऑरिकल को बांट दिया। तो एक सिंपल डायग्राम से मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो सपोज कि दिस इज द ऑरिकल एंड दिस इज द वेंट्रिकल। तो इस कंपार्टमेंट में क्या है कि दिस इज द इंटरऑरिकुलर सेप्टम एंड दिस इंटरऑरिकुलर सेप्टम इट इज मोर टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट एंड इट इज मोर टिल्टेड टुवार्ड्स द राइट। तो लार्जेस्ट चैम्बर जो हार्ट का है वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरी बात ये कि यह जो इसको
सेप्टम जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और यह इस इंटर ऑर्बिकुलर सेप्टम के कंपैरिजन में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम विल बी मोर थिक, क्योंकि इसको बहुत प्रेशर के साथ आए हुए ब्लड को क्या करना है, पंप करना है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये कि अगर हम राइट एट्रियम से स्टार्ट करें इसको, तो ये जो इंटर ऑर्बिकुलर सेप्टम के डॉर्सल साइड पे ओपनिंग होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवरी। तो फोरामेन ओवरी जो है यहाँ पे ओपनिंग है एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ओवरी, दिस इज कॉल्ड फोरामेन ओवरी। फोरामेन ओवल यानी कि फीटल स्टेज में तो लंग्स जो है वो तो फंक्शनल नहीं है। लंग्स कब फंक्शनल होते हैं? लंग्स आफ्टर बर्थ जो है, लंग्स जो है वो फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे यानी कि उस पल्मोनरी सर्कुलेशन को इसको बाईपास कर जाना है, तो फीटल स्टेज में जो ब्लड है वो तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को पास कर देना, तो ये आपस में यहाँ से एक्सचेंज होता है थ्रू दिस ओपनिंग। और हम लोगों ने आप लोग सुने होंगे ना कि होल इन द हार्ट, तो व्हाट इज दैट होल? दैट इज दिस ओपनिंग विच सीजेज आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और जब इसका रिमेन जो है रह जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोशा ओवैलिस, फोशा ओवैलिस। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फोरामेन ओवरी इज कॉल्ड फोशा ओवैलिस। और यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर लाइक दिस कि जो स्कार बच गया यानी कि ये जो सीज हो गया आफ्टर बर्थ ओपनिंग है एंड ये आफ्टर बर्थ ये ओपनिंग जो है क्लोज हो गया, तो देर इज अ स्कार एंड दैट स्कार इज कॉल्ड फोशा ओवैलिस, याद रखना है। इस राइट एट्रियम से जो है ये, तो दिस राइट एट्रियम, इसके बारे में हम देख लें कि इट रिसीव्स इम्प्योर और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो इनलेट्स है, तो इनलेट्स इसमें क्या क्या हो गया, तो इनलेट्स यानी अंदर आने वाला, तो सुपीरियर वेना कावा जिसको SVC भी बोल सकते हैं, तो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है एंड दिस सुपीरियर वेना कावा रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अपर बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि हार्ट के ऊपर से, तो हार्ट के ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया गया बाय दिस सुपीरियर वेना कावा, तो सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है ये कुछ इस तरह से, हम सुपीरियर वेना कावा एंड इट्स ओपनिंग इज हियर, तो ये याद रखने का है SVC, ठीक है। और जो दूसरे इनलेट की हम लोग बात करेंगे वो है इंफीरियर वेना कावा, जो IVC, इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा जो है वो नीचे से ब्लड को, यानी कि लोअर बॉडी पार्ट से, यानी कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज बिलो द हार्ट, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे लोअर बॉडी पार्ट्स, तो लोअर बॉडी पार्ट से ये यानी कि इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग कुछ इस तरह से यहाँ राइट एट्रियम, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ यह राइट एट्रियम जो है यह ब्लड को रिसीव करता है और किससे, तो कोरोनरी साइनस, तो दिस इज कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस रिसीव्स, ये मैं यहां लिख देती हूं, कोरोनरी साइनस जो है ये ओपन्स तो हुए राइट एट्रियम में एंड रिसीव्स
प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट. तो कोरोनरी आर्टरी ने जो है आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया. आफ्टर यूजिंग दैट ऑक्सीजन नाउ द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी वेन्स ओपन हियर एंड दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस. तो अभी यानी कि राइट एट्रियम में जो इनलेट्स की हम लोगों ने बात की वो इनलेट्स कौन कौन सा है, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग हमने देखा और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग. तो इस कोरोनरी साइनस में जो है वाल्व है, इंफीरियर वेना कावा में वाल्व है. तो इस वाल्व का जो है यह वाल्व क्या करता है, तो ये यूनिट डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो. ये याद रखेंगे आप. भाल जो है यानी कि इंफीरियर वेना कावा का जो भाल है, तो भाल में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि भाल जो है इंफीरियर वेना कावा एंड दैट इज कॉल्ड यूस्टेकियन भाल, यूस्टेकियन भाल. और जो भाल है कोरोनरी साइनस का, उस भाल को हम लोग कहते हैं थीबेशियन भाल. थीबेशियन भाल. तो हियर इज द थीबेशियन भाल एंड हियर इज द यूस्टेकियन भाल. कि जब ये ऑर्बिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो तो प्रिवेंट हो सके बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो ये आप याद रखेंगे इस दोनों भाल को. मैं एक बार और बताऊं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट है और फोर चैम्बर्ड हार्ट में जो है राइट एट्रियम रिसीव्स इम्प्योर ब्लड एंड दिस इम्प्योर ब्लड दिस राइट एट्रियम रिसीव्स थ्रू दिस सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स और द पार्ट्स ऑफ बॉडी अबव द हार्ट इज द एंड दैट ब्लड इज रिसीव्ड बाय द सुपीरियर वेना कावा. यानी कि अपर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स ले आएंगे और वेन्स जो है अपने बॉस यानी सुपीरियर वेना कावा को ये ब्लड दे देंगे और सुपीरियर वेना कावा उसको लाके पोर कर देगा. किसमें? इस राइट एट्रियम. बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और यहां मैं आपको बताऊं कि इस सुपीरियर वेना कावा को हम लोग प्री केवल बोलते हैं, प्री केवल एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट केवल. तो इंफीरियर वेना कावा जो है दिस इज कॉल्ड पोस्ट केवल. तो प्री केवल एंड पोस्ट केवल. सुपीरियर है बड़ा है तो प्री पहले, प्री अंदर पोस्ट केवल. ये आप याद रखेंगे. तो हमने आपको बताया कि अपर बॉडी पार्ट से जो है सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से रिसीविंग इंफीरियर वेना कावा एंड पोरिंग दिस इंप्योर ब्लड टू दिस राइट एट्रियम एंड फ्रॉम दिस हार्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन बाय दिस कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी वेन्स ओपन टू दिस कोरोनरी साइनस एंड हियर इज अ वाल्व दैट इज कॉल्ड थीबेशियन वॉल्व एंड दिस वॉल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड इट मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो. अब इसका तो हम लोगों ने इनलेट्स देखा किस तरह का, राइट एट्रियम का. और इस राइट एट्रियम के बाद जो है हम लोग इनलेट देख लेंगे किसका. तो इनलेट हम लोग देख लेंगे इस डायग्राम, इसका हम लोग देखने जा रहे हैं. एंड ये जो तो इसका इनलेट जो है, मुझे ये डायग्राम ही आप परेशान कर रहा है. हाँ सही है, चलिए. तो इसमें अब इनलेट, तो अब इस राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल का अगर आपसे कोई इनलेट्स पूछे तो आप क्या कर देंगे, भाल. तो यहाँ पे जो है ये ट्राइकस्पिड भाल.
ढाल होते हैं और ये ट्राइकस्पिड ढाल को, यानी कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इसका अगर सेक्शन में आपको दिखाऊं तो दिस इज अ सेमी लाइक दिस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एंड 1, 2 एंड दिस इज द 3, तो दिस इज द 3rd. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये 3 सेमी सर्कुलर ये स्ट्रक्चर होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड ढाल. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो भाग है, दैट भाग इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. ये याद रखेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व. व्हाई इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व? बिकॉज देयर इज 3 कस्प, 3 फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड हियर इज अ बाइकस्पिड वाल्व. यहाँ पे जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड. और इसी बाइकस्पिड भाग को हम लोग मिट्रल भाग भी कहते हैं. मिट्रल भाग आप ये याद रखिएगा. इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल. तो दिस इज द राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल. और इस प्रिसाइज जो नेम है इसका वो बाइकस्पिड भाग और मिट्रल भाग, ये याद रखना है. और जैसा कि हमने बताया ये लार्जेस्ट चैम्बर है और ये जो इसका थिकनेस जो है वो 3 टाइम्स मोर होता है इस वेंट्रिकल के थिकनेस से, क्योंकि इसको जो ब्लड को पंप करना है तो वो ब्लड किसको देना है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये. एंड दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर. तो ये 3 होते हैं एंड जो थिकेस्ट है वो ये है. और तो थिकेस्ट किससे, कंपेयर टू दिस और दिस, ये याद रखेंगे. अब हम लोग देख लेते हैं इनलेट ऑफ दिस लेफ्ट एट्रियम. तो लेफ्ट एट्रियम का जो इनलेट है उसमें 4 पेयर्स, ये जो है पल्मोनरी वेंस. तो ये पल्मोनरी वेंस, तो 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग्स एंड 2 फ्रॉम दिस राइट लंग्स. तो ये लेफ्ट एट्रियम जो है, यानी मैं अब यहां लिख दूं आपको कि जो लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव करता है, रिसीव्स प्योर ब्लड. ये आप याद रखेंगे, इट रिसीव्स प्योर ब्लड, ठीक है. और साथ ही साथ ये रिसीव करता है प्योर ब्लड किससे, 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स 2 कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड 2 कमिंग फ्रॉम द राइट एंड इट ओपन्स इनटू दिस लेफ्ट एट्रियम. माइंड इट, हियर इज नो वॉल. क्यों नहीं वॉल है, क्योंकि इनकी ओपनिंग ऐसे एंगल से है कि व्हेन दिस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिस होल दिस ओपनिंग ऑटोमेटिकली क्लोजेस. माइंड इट, इन द सुपीरियर वेना कावा आल्सो देयर इज नो वॉल. व्हाई देयर इज नो वॉल, बिकॉज इट्स एंट्री इज लाइक अ पार्टिकुलर एंगल के थ्रू है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्शन होगा ये जो ओपनिंग है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाते हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ द वॉल, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी वॉल इन द सुपीरियर वेना कावा, बिकॉज इट्स एंट्री इज ऑन सच एंगल इट्स क्लोजेड इट्स ओन. व्हेन द ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट्स इट क्लोजेज इट्स ओन. तो इस सुपीरियर वेना कावा में भी कोई वाल्व नहीं है, ये बातें हैं. और जैसा कि हमने बताया कि इसका जो इनलेट हो गया वो क्या हो गया, वो है आपका इंटर ऑर्बिटो वेंट्रिकुलर वाल्व या इसको बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व. बाइकस्पिड मींस व्हाट, इसका अगर हम सेक्शन देखेंगे तो हियर इज 2 कस्प, 2 कस्प और कस्प एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड एंड दिस इज ट्राइकस्पिड, बिकॉज देयर इज 3 कस्प लाइक 3 ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है एंड दिस इज ट्राइकस्पिड. साथ ही साथ तो ये सारी कुछ बातें हुई. अब हम लोग जो है इस राइट वेंट्रिकल से एराइजेज होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और यहां से सिस्टेमिक aorta, ठीक है. तो सिस्टेमिक aorta और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम देखते हैं.
चलिए तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं जो बातें रह गई है इसमें मैं हटाऊ तो फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल अराइज दिस पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से जो है अराइज होते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये इस तरह से इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, ये जो है एक चला जाएगा लेफ्ट लंग्स को और दूसरे की एंट्री हो जाएगी लेफ्ट लंग्स में। तो ये याद रखेंगे हम लोग एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी आर्टरी के पास भी भाल होते हैं जिस भाल को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सेमीलूनर भाल। सेमीलूनर भाल एंड माइंड इट ये भी ट्राई कस्पिड होते हैं। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है सिस्टेमिक अओर्टा और इस सिस्टेमिक अओर्टा को भी हम लोग यहां से तो दिस इज द सिस्टेमिक अओर्टा और ये सिस्टेमिक अओर्टा के ही ब्रांचिंग होती है। तो ये जो ब्लड अपर बॉडी पार्ट्स के लिए ये इनकी ब्रांचिंग हो गई लाइक ब्रैंकियोसिफैलिक और ब्रैंकियोसिफैलिक सबक्लेवियन और कैरोटिड। तो ये आर्टरी यहां से इनकी ब्रांचिंग हो गई। तो कहने का मतलब कि ये जो आर्टरी है ये ब्लड ले जाते हैं अपर बॉडी पार्ट्स को लाइक द ब्रेन नेक रीजन शोल्डर रीजन एंड देन इट कम्स टू डाउन एंड दिस इज एओर्टिक। This is the aorta. तो ये याद रखेंगे सिस्टेमिक aorta। क्योंकि ये ब्लड जो है वो सिस्टम में जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक aorta। दूसरी बात ये कि तो एंड यहां पे ये जो मेम्ब्रेन हमने इसके क्लास में बताया था कि पेरी डबल मेम्ब्रेनस यहाँ पे ये पेरिकार्डियम दिस इज द विस्ट्रल पेरिकार्डियम। ये आप याद रखेंगे दिस इज विस्ट्रल पेरिकार्डियम एंड दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ये ह्यूमन हार्ट। तो सब कुछ जो है ये जितनी भी बातें हम लोगों ने यहाँ देखी ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे यही सारा पार्ट जो है वो बर्ड्स में है लेकिन एक डिफरेंस है कि जो हमने ये सिस्टेमिक एओर्टा को हम जो ये लेफ्ट टर्न है उसमें सिस्टेमिक एओर्टा जो है वो किधर को है लेफ्ट राइट है। तो ये याद रखेंगे कि बर्ड्स में जो सिस्टेमिक एओर्टा जो है वो राइट साइड से और ह्यूमन के केस में ये है राइट साइड से सिस्टेमिक एओर्टा। फिर इसकी ब्रांचिंग होगी आर्टरीज में और आर्टरीज जो है आर्टेरियोल्स कैपिलरीज एंड दे विल गो टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसका बहुत सारी बातें भी हैं साइनोएट्रियल नोड एवी नोड पैपिलरी मसल्स कॉर्डियल कार्डी ये सब देखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए बार बार समझिए इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो मैं बताना चाहूंगी कि पल्मोनरी ये तो एक्सेप्शन हो गया ना पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज आर्टरी इज ऑलवेज दिस इज प्योर ब्लड बट दिस इज द ओनली आर्टरी रिसीविंग इम्प्योर ब्लड। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड बट दिस वेन्स आर एक्सेप्शन दे आर ब्रिंगिंग प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो ये याद रखेंगे आप। अच्छा यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा जो है ये फिटेड कंडीशन में इम्ब्रायनिक स्टेट में ये जो होते हैं आपस में एक डक्ट के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस।
और डक्टस आर्टरीज, और ये मॉडिफाई होते हैं, इसका भी स्कार आफ्टर बर्थ जो है वो मॉडिफाई कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो चेंज हो जाता है लिगामेंटम में, ये आप याद रखना है। और जो फोरम मेडम बोन है ये इसका स्कार जो है फोसा ओवैलिस, और आफ्टर बर्थ दिस होल दिस ओपनिंग सीजेस, तो होल ऑफ द हार्ट इज दिस फोरम में ओवेल, जो कि सर्जरी से ठीक भी हो जाता है। तो ये सारी कुछ बातें आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।